नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में कृष्ण जन्मोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव मंचन करते हुए उनके जन्म से लेकर उनके द्वारा दिए गए गीता ज्ञान, सुदामा चरित, बाल लीलाओं आदि का बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। विद्यालय के चारों सदनों गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी के बच्चों के द्वारा बाल लीला, सुदामा चरित, मटकी लीला, रासलीला और गीता सार का मंचन करते हुए बहुत ही सकारात्मक संदेश देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। प्रधानाचार्य दीपक धीमान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से हमें जीवन जीने की कला की सीख मिलती है। कार्यक्रम का संचालन लबा बतूल, चितवन सैनी, अवनी देशवाल, दीति बैसला, मोहम्मद असद, जिया रानी और परी ने किया। विद्यालय में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं थीं, जिन्होंने जनमानस पर एक बहुत सीधा और बहुत सच्चा प्रभाव डाला है, उन सभी घटनाओं का डिपिक्शन मंचन के माध्यम से बच्चों द्वारा किया गया। जैसे सुदामा चरित, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं, मटकी तोड़ का कार्यक्रम और इन सब से भी कहीं ज़्यादा श्रीमद् भागवत गीता में उनके द्वारा दिया गया जो संदेश है, वो बच्चों ने नाट्य मंचन के माध्यम से सभी तक पहुंचाया, सभी दर्शकों तक पहुंचाया। और साथ ही ये भी संकल्प लिया कि जीवन जीने की जो कला है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो विधाएं बताई हैं, उन विधाओं के अनुसार यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक सफल जीवन जी पाते हैं। तो इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज आयोजित विद्यालय में हुआ है और मैं अपनी विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।